आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ OTT के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊँगा OTT क्या होता है, OTT कैसे यूज कर सकते हैं, OTT के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एक किसको कंपटीशन दे रहा है। पूरी की पूरी आपके दिमाग में जितने भी सवाल होंगे सभी के सभी आज OTT के बारे में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज OTT एंड हाउ टू वर्क OTT, ये जो पॉइंट्स है आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। OTT भी एक तरीके का एंटरटेनमेंट का तरीका है। पहले आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए केबल TV या सैटेलाइट TV और अब आपके लिए एक और आ गया है OTT, जिसे कहते हैं ओवर द टॉप। केबल TV में बेसिकली आपको RF सिग्नल के द्वारा आता था, सैटेलाइट TV जैसे कि DTH हो गया, आप सैटेलाइट से डायरेक्टली डिश पर सिग्नल लेके आप बॉक्स के जरिए देखते थे। वो नेक्स्ट जनरेशन में आया OTT। ओवर द टॉप आने से बेसिकली हुआ ये कि जहां आपको मनोरंजन करने के लिए जहां TV और सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत पड़ता था वो चीज़ ख़त्म हो गया। OTT में बेसिकली एक ऐप इंस्टॉल किया जाता है, उस ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी जो चाहे वो प्रोग्राम आप देख सकते हो, अपना फेवरेट कंटेंट देख सकते हो। जैसे केबल TV और DTH में है कि जो प्रोग्राम आएगा उसका पर्टिकुलर एक टाइम होगा, उस टाइम पे आप बाउंडेशन है कि उस टाइम पे आपको देखना होगा। अगर प्रोग्राम जो टाइम पे आएगा तो उसी समय देख सकते हैं, लेकिन OTT में आपको फ्रीडम मिलता है, आप जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ओवर द टॉप यानी कि OTT चलता कैसे है उसके बारे में बता दूँ। OTT के आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे, ऐप्स देखे होंगे, जैसे कि हॉटस्टार, G5, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, वॉचो, सोनी लिव, जैसे OTT ऐप्स हैं। जिस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग जैसे हॉटस्टार स्टार के चैनल्स के लिए है, डिज्नी हॉटस्टार आ चुका है, G5 पे G के चैनल्स आते हैं, सोनी लिव पे सोनी के चैनल्स आते हैं, हंगामा आता है, वॉचो आता है, DStv ने लॉन्च करा था, टाटा स्काई बीन जाता है, ना जाने कितने OTT ऐप्स आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ पे आप लिस्टिंग भी देख सकते हैं OTT ऐप्स के। तो बेसिकली OTT ऐप में क्या होता है कि ये जो वर्किंग करता है टोटली इंटरनेट पे काम करता है। ओवर द टॉप यानी कि इंटरनेट के जरिए आप कोई भी कंटेंट, अपना फेवरेट कंटेंट, फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट मूवी, फेवरेट वेब सीरीज आप इंटरनेट के जरिए मोबाइल पे देख सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि आपको आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप कब देखना चाहते हैं और किस डिवाइस पे देखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू कस्टमर। साथ ही दोस्तों बता दूं OTT में बेसिकली आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप जब चाहें और जो आपका फेवरेट प्रोग्राम है कभी भी आप देख सकते हैं। जहां TV पे आपको जो प्रोग्राम जिस टाइम पे आता है उसी समय पे सिर्फ देखने को मिलेगा, लेकिन OTT पे अगर एक ही प्रोग्राम आप बार बार देखना चाहते हैं तो बार बार भी देख सकते हैं। यहां पे आपको क्या होता था OTT पे कि जैसे आप नेटफ्लिक्स का अगर आपने ले लिया सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स एक OTT ऐप प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ वेब सीरीज, नंबर ऑफ़ म्यूजिक, नंबर ऑफ़ मूवीज, नंबर ऑफ़ न्यूज के कलेक्शन तैयार कर लिया गया। उस नेटफ्लिक्स के अगर वहाँ पे आपको मेंबरशिप दिया जाता है यानी कि वन काइंड ऑफ जैसे DTH और केबल TV में आप सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से OTT ऐप को आपको रिचार्ज करना होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन देना होता है। और उस मंथली सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत कैटेगरी डिफाइन हो जाएगा कि आप इतने का अगर आप पैकेज लेते हैं तो आप में मूवीज देख सकते हो, ये वेब सीरीज देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। तो उस पे आप जो आपका फेवरेट कंटेंट है, अगर अभी म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक देखिए, अगर मूवी देखने का इरादा है तो मूवी देख सकते हैं, वेब सीरीज देखने का इरादा है तो वेब सीरीज देख सकते हैं। लेकिन OTT में सबसे डिसएडवांटेज एक बात क्या है कि अगर मान लो अभी के टाइम पे अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स में बहुत ज़बरदस्त टक्कर चल रहा है, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम दोनों प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड एक्टर लगातार वेब सीरीज बनाए जा रहे हैं, टेलीविज़न पे क्या होता है बच्चे से लेकर बड़ों तक देखते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भाषा यानी कि लैंग्वेज पे एक मर्यादा लगाया जाता है, जो ऐसा लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं कि जो सारे फैमिली या बच्चे भी सुने। लेकिन वेब सीरीज में क्या होता है गाली गलौज प्लस अलाब सलाब अच्छी बुरी सब बातें बोली जाती है, क्योंकि वो
प्राइम कस्टमर के लिए होता है और पेड कंटेंट होता है, तो बच्चे उसे बाय कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास डिवाइसेस होता नहीं है। वो जहाँ जब तक वो पेरेंट्स नहीं बाय करेगा, जब तक पेरेंट्स के पास पूरी राइट्स है, उनका इंक्रिप्शन किया हुआ, उनके पास पासवर्ड है, तो जो बड़े लोग हैं वो उसी चीज़ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वहाँ पे पूरी आज़ादी होती है, उस पे कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है। जैसे टेलीविज़न चैनल, सेटेलाइट चैनल पे आपको रूल्स है कि आप अगर लैंग्वेज पे कंट्रोल करना होगा, आप कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे बड़े बच्चे बुजुर्ग सुने, तो वहाँ पे गलत उसकी भावना जाए। अगर मान लो कि नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज अवेलेबल है वो वेब सीरीज़ आपको अमेजन पे नहीं मिलेगा, जो अमेजन पे अवेलेबल है वो नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हॉटस्टार पे जो स्टार के कंटेंट आप देख पाते हैं, वहाँ पे अगर हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप जी के चैनल्स देखना चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। अगर जी का कंटेंट देखना है तो जी फाइव पे ही जाना होगा, सोनी का कंटेंट देखना होगा तो सोनी लिप पे ही जाना होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जिस तरीके से टेलीविज़न इंडस्ट्री पे जितने चैनल्स हैं सभी पे सेम कंटेंट आएंगे, चाहे डीटीएच हो, चाहे केबल टीवी हो, या कोई भी नेटवर्क का हो, वहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेगा। लेकिन ओटीटी पे एक यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप जिसकी सर्विसेज चुनोगे उसी के कंटेंट सिर्फ आप देख पाओगे। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर ओटीटी का सब्सक्रिप्शन आप ले रखे हैं तो आप आराम से अपना इंजॉय ट्रैवलिंग करते हुए देख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में देख सकते हैं वीडियोस, आप कहीं पार्क में बैठे वहाँ पे देख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कभी भी कोई भी कंटेंट आप बाय करें और वहीं पे देख सकते हैं। तो डीटीएच, ओटीटी, डिश टीवी में बेसिकली ये डिफरेंसेस था। डिश टीवी और आपका केबल टीवी में, यानी कि डीटीएच और केबल टीवी में एक फाउंडेशन है कि आपको टेलीविज़न या लैपटॉप का सहारा लेके ही देखना होगा, और उस पे जो कंटेंट दिखाए जाएंगे सभी पे सिमिलर दिखाए जाएंगे, सेम दिखाए जाएंगे, और उसकी टाइमिंग फिक्स्ड रहेगी। लेकिन ओटीटी पे आपको इसकी आज़ादी पूरी मिलती है, आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे देख सकते हैं। और यहां पे डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि जिस ओटीटी का आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं सिर्फ उसी का कंटेंट देख पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ओटीटी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, अगर जो मैंने देने की कोशिश करा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पे प्यार दीजिए, लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई पॉइंट मैंने मिस करा है उसे आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं।